हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जानकी और जानकी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी पाव भाजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जियों में मैंने लिया है आलू, फूल गोभी, कैप्सिकम, कैबेज, प्याज। यहाँ पे मैंने हरे मटर लिए हैं, टमाटर लिया है, लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, अदरक। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे, फूलगोभी डालेंगे, आलू डाल देंगे, कैप्सिकम डालेंगे, अब इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी, हरे मटर डाल देंगे। ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है, इन सबको अभी नहीं डालना है। अब इसमें एक ग्लास जितना पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला लिया है, आधी चम्मच जितना पाव भाजी मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगाएंगे। हमारी सब्जियां उबल चुकी है, अब देख सकते हो। अब यहाँ पे हम एक पोटैटो मिक्सर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे सारी सब्जियों को अच्छे से मेल्ट करना है। तो देख सकते हैं सारी सब्जियां मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा बटर डाला है, आप सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हो। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, चुटकी भर के हींग डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च का पाउडर और चला लेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। दो मिनट हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। चलाते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से पका लेंगे। चलाते जाएंगे। अब इसे पोटैटो मैशर से मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे।
अब हम सारी सब्जियां उबाल कर रखी थी वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें एक गिलास जितना पानी डाल देंगे। और मिक्स कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, अब मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस और मिक्स कर लेंगे। गैस को हम मीडियम रखेंगे और चलाते जाना है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भाजी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, उसको गर्म करने के लिए रखा था। अब इसमें डाल देंगे बटर। अब हम पाव को सेकेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो पाव जल जाएंगे। अब थोड़ा और बटर डालेंगे और पाव को दूसरी साइड सेक लेंगे। तो पाव सीख चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है।